राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर चरम पर है। झारखंड की तमाम सियासी पार्टियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले उसका स्वागत किया है। आंदोलन की आड़ में प्रचार कर श्रेय लेने की होड़ पेश करती दिखी इस रिपोर्ट में। देश में राजनीति की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजनीतिक का पुराना स्टेडियम आरक्षण ही है। ओबीसी के आरक्षण को लेकर जहां हर दल इसे पुराने स्टेडियम के रंग रोगन में जुटा है, वहीं कोई आंदोलन कर ये साबित करने में लगा है कि उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार का श्रेय उसे ही मिलना चाहिए। इस बीच उद्घाटन करने की होड़ में हर दल एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को पीछे करने में जुटे है। निश्चित तौर पे हम भी कमिटेड है अपने घोषणा पत्र के साथ, और हम भी 27% की जो, और हम लोगों का तो और भी ज्यादा उसमें मांग, तो वो सारी चीजें को देखकर जब आ जाएगी नियोजन नीति आप लोगों के सामने कहेंगे। प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी का आदेश मिला था कि आप जो लोग पिछड़ों के लिए आरक्षण चाहते हैं उन सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए इस मांग में, तो उस आधार पे इन्होंने पूरे प्रदेश में धरना का आयोजन किया है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारी सरकार है, और सरकार में भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सदन में भी बातचीत कर रहे हैं और सड़क पर भी उतर करके इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द 27% का जो आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। इस दशक में राजनीति के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर सामने उभर कर आने वाली भाजपा को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल सीट में नामांकन को लेकर ओबीसी का दायरा 27% करने के साथ राजनीति के इस पुराने स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया है। 28 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने इस खेल का शंखनाद भी कर दिया है। लिहाजा बीजेपी का यह आरोप है कि राज्य में सत्तासीन महागठबंधन घड़ियाली आंसू बहाकर ये साबित करने में जुटी हुई है कि अगर हमें गिराया नहीं जाता तो इसके विनर हम ही होते। बीजेपी ने यह भी तंज कसा है कि जिसको करना है वही मांग कर रहा है, यह सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। केंद्र सरकार की तर्ज पर 27% केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है, 10% उन लोगों को दिया है जो गरीबी रेखा गरीबी से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देने का काम तो इतनी कह रहे हैं उस तर्ज पर आप कर दो। आप क्यों नौटंकी कर रहे हैं कि 27% देना होगा? अरे किसको देना होगा? तुम सरकार में शामिल हो। राज्य में सबसे छोटी राजनीतिक हैसियत रखने वाली आरजेडी और आजसू भी ओबीसी के आरक्षण को संख्या के आधार पर करने की मांग कर रही है, लेकिन सभी दलों की मांग से फिलहाल इसका हल होता नहीं दिख रहा। लिहाजा क्रिया और प्रतिक्रिया की इस लड़ाई में जनता अपने हिस्से का शब्द खोज रही है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।